हेलो फ्रेंड्स, स्वरा स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये जो रेसिपी है वो है एगलेस चॉकलेट केक। और फ्रेंड्स, ये चॉकलेट केक की सबसे आसान रेसिपी है और बिना ओवन, बिना कढ़ाई, बिना कुकर के आज मैं आपको ये रेसिपी बताने वाली हूँ। अब ये चॉकलेट केक हर कोई बना सकता है बहुत सिंपल तरीके से। तो चलो शुरू करें आज की आसान सी रेसिपी। सबसे पहले एक बोल में हम 1/3 कप दही डालेंगे। दही के साथ इसमें हम 1/2 कप पीसी हुई चीनी डालेंगे। यहाँ पे मैं देसी खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप नॉर्मल जो चीनी है उसे आप पीस के इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हम डालेंगे 1/3 कप तेल। ये नॉर्मल तेल है जिसे कोई फ्लेवर नहीं है। आप चाहो तो सनफ्लावर ऑयल या राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, या आपको तेल अगर नहीं इस्तेमाल करना है आप पिघला हुआ मक्खन भी ले सकते हो इस रेसिपी के लिए। फ्रेंड्स, 2 चुटकी हम नमक डालेंगे स्वाद के लिए। 1/2 टीस्पून हम वेनिला एसेंस डालेंगे। इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इसका एक बहुत स्मूथ सा बैटर बना लेना है। और आज का ये जो केक है बहुत ही स्पेशल है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान है, क्योंकि आज की इसकी जो स्पेशलिटी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हमने ना कुकर इस्तेमाल किया है, ना कढ़ाई, ना ओवन। तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसे बेक करने का, तो मैं आज आपको बता देती हूँ। कोई भी इसे बेक कर सकता है। अगर आपके पास सेपरेट कुकर या बड़ी कढ़ाई नहीं है तो भी आप इसे बेक कर सकते हो। तो इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। उसी के साथ इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो अनस्वीटेंड कोको पाउडर है। आपको अनस्वीटेंड कोको पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन ये लाइट कोको पाउडर है। कोको पाउडर में भी 2 टाइप्स आते हैं, एक लाइट और एक डार्क। तो अगर आप डार्क कोको पाउडर यूज कर रहे हैं तो 2 टेबलस्पून काफी होगी। ये लाइट है तो यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून ले रही हूँ। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा डालेंगे। और इन सभी चीजों को हम छान लेंगे। फ्रेंड्स, इसे अब हम मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे। हमें इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाना है। ये मिश्रण हमें थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा दूध डालेंगे। तो इसमें अब हम 1/2 कप दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिक्स करेंगे। और हमें इसका एक स्मूथ सा मिश्रण बना लेना है। ये जो लम्स है, गुठलियां है, वो हमें निकालनी है। बिल्कुल एक स्मूथ सा हम बैटर बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये बैटर तैयार है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो। बिल्कुल भी बहुत फ्लोई नहीं है और बहुत थिक भी नहीं है। और हमें ओवर मिक्स नहीं करना है बैटर। फ्रेंड्स, आज जो हम ये केक बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरह से हम फ्राइंग पैन में बनाने वाले हैं। डायरेक्ट हम इसी में बेक करेंगे। और इस तरह का फ्राइंग पैन सभी के घरों में होता है, तो आज हम जो केक है डायरेक्ट इसी में करने वाले हैं। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे मैंने थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और ये एक बटर पेपर है, उसे हम अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और पूरी तरह से डस्ट कर लेंगे और आपका ये जो पैन है तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक फ्लैट तवा लिया है और कुछ इस तरह से तवा सभी के घर में होता है, फ्लैट जिसपे हम रोटी बनाते हैं। तो हमें फ्लैट तवे की ज़रूरत है और इसे हम 5-7 मिनट के लिए बिल्कुल तेज आंच पे हम इसे गरम कर लेंगे। जब तक इसमें से अच्छा धुआं नहीं उठता हम इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा ये फ्राइंग पैन ले लेंगे और इस बैटर को हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, फ्राइंग पैन में हमने अच्छे से इस बैटर को डाला है और एक बार हम अच्छी तरह से इस तरह से फैलाएंगे। एक दो बार हम है ना इसे जेंटली ऐसे टैप करेंगे जिससे ये जो एयर बबल्स है ना निकल जाएंगे। बहुत जोर जोर से नहीं करना है वरना आपका जो पैन है खराब हो जाएगा। हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और काफ़ी गर्म हो गया है और धुआं उठ रहा है। तो गैस को इस स्टेज पे हम धीमा करेंगे और ये जो पैन है हमारा इस पे रख देंगे और पैन को हम कवर कर लेंगे। आप चाहो तो कुछ इस तरह से जो कवर आता है फ्राई पैन वाला उससे आप कवर कर सकते हो, पर ये कवर जो है थोड़ा बड़ा है तो इस तरह से जो स्टील की प्लेट आती है मैं उसी से अब इसे ढक दूंगी।
और इसे हम धीमी आंच पे बेक करेंगे फ्रेंड्स। आधे हम इसे चेक कर लेंगे हैं और केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है और थोड़ा सा केक हमारा इस प्लेट पे स्टिक हो गया है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हम इसे ऊपर से गार्निश करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बार हम टूथपिक टेस्ट भी कर लेंगे। टूथपिक हमारी क्लीन आ गई है तो केक हमारा अच्छे से बेक होके रेडी है और इसका आप टेक्स्चर भी देख सकते हो फ्रेंड्स, स्पॉन्जी, बहुत ही अच्छा केक बना है। तो इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले लिया है, इसके मैंने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और ये अगर आप ग्राम्स में देखोगे तो ये 200 से 250 ग्राम है और 200 ml हमने फ्रेश क्रीम ली है। आप अमूल की या किसी भी ब्रांड की फ्रेश क्रीम ले सकते हो, ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है। फ्रेंड्स अब हम इस फ्रेश क्रीम को गर्म करेंगे, हमें धीमी आंच पे ही इसे गर्म करना है और हल्के से जब एक या दो बुलबुले आ जाएंगे तो तुरंत हमें इस क्रीम को इस चॉकलेट पे डाल देना है। फ्रेंड्स हमारी क्रीम गर्म हो गई है और इसे अब हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट में और इसे हम मिक्स कर लेंगे तुरंत। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे जो है केक का कलर भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपको ये ना मिले, आप नॉर्मल जो डेरी मिल्क चॉकलेट है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, डेरी मिल्क अमूल के जो कैडबरीज आते हैं उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रेंड्स हमारा ये गनाश तैयार है और हमने ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट लिया था, मैंने 200 ml का क्रीम का पैक लिया था और 200 से 250 ग्राम हमने चॉकलेट ली थी। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, अगर आपको थिक गनाश चाहिए तो आप चॉकलेट की क्वांटिटी आप डबल कर सकते हो। अब हम इसे अनमोल्ड करेंगे और ये आसानी से फ्रेंड्स निकल जाएगा क्योंकि हमने नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल किया था यहाँ पे, तो ईजीली आप यहाँ पे देख सकते हो और नीचे हमने बटर पेपर भी लगाया था तो ईजीली ये केक हमारा अनमोल्ड हो रहा है। आप देख सकते हो बड़ी आसानी से हमारा ये जो केक है अनमोल्ड हो गया है और इसका टेक्सचर भी देख सकते हो क्योंकि हमने इसे फ्राइंग पैन में बनाया है तो बहुत स्पॉन्जी है और अच्छे से ये बेक भी हो गया है। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन बताने वाली हूँ, हमें बस इसके ऊपर गनाश पोर करना है। आप चाहो तो केक को दो पार्ट में स्लाइस भी कर सकते हो, पर आज हम स्लाइस नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस पे हम गनाश। फ्रेंड्स इस पे गनाश डालने से पहले हम फोक लेंगे और फोक की हेल्प से हम कुछ इस तरह से पियर्स करेंगे क्योंकि हम इसे स्लाइस नहीं कर रहे हैं और हम इस पे शुगर सिरप भी नहीं डाल रहे क्योंकि हम डायरेक्ट गनाश डाल रहे हैं, तो थोड़ा गनाश जो है केक में ऐसे ही अंदर चला जाएगा। फ्रेंड्स ये केक अगर आप ऐसे ही आपको खाना है तो आप 1/4 कप शुगर एक्स्ट्रा डाल सकते हो। अभी अगर आप इसे खाओगे तो ये आपको माइल्ड स्वीट लगेगा क्योंकि हम इस पे चॉकलेट गनाश डाल रहे हैं तो बाद में ये ज़्यादा स्वीट हो जाएगा, इसलिए हमने इसे माइल्ड स्वीट ही रखा। फ्रेंड्स अगर आपको डायरेक्ट ये केक खाना है तो केक में आप 1/4 कप शुगर आप बैटर में एक्स्ट्रा डाल सकते हो। उसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था और इसकी कंसिस्टेंसी आप अब देख सकते हो, पहले से थोड़ी सी थिक है। तो अब इस गनाश को हम इस केक पे डाल देंगे। और फ्रेंड्स अपने से ये जो है थोड़ा थोड़ा ये साइड में आ जाएगा। हमने नीचे प्लेट रखी है जिससे जो एक्स्ट्रा का गनाश है वो नीचे ड्रिप हो जाएगा और हमारा वो जो गनाश है वो वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से हम इस पूरे केक को कवर कर लेंगे। इस केक को मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, आप चाहो तो ऐसे ही इसे सर्व कर सकते हो या आप ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन कर सकते हो, आप जेम्स से डेकोरेशन कर सकते हो, आप स्प्रिंकलर्स से, जो शुगर कोटेड बॉल्स आते हैं, चोको चिप्स आते हैं, बहुत सी वैरायटी है मार्केट में। फ्रेंड्स आज मैं आपको फ्रूट से इसका डेकोरेशन बताऊंगी। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज के मैंने स्लाइस किए हैं, स्ट्रॉबेरीज का सीजन है तो हम स्ट्रॉबेरीज से इसे गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। हम यहाँ पे मिनी सेंटा बनाने को ट्राई कर रहे हैं तो इसके हम आइस बना लेंगे।
फ्रेंड्स थोड़े से हम पुदीने के पत्ते भी लगा देंगे साइड में। फ्रेंड्स हमारा ये बहुत ही आसान केक रेडी है, चॉकलेट केक, और हमने इसे बनाया है फ्राइंग पैन में। फ्रेंड्स मैं आपको इसे कट करके भी बता देती हूँ, हमने इसे फ्रिज में रखा था थोड़े टाइम, तो ये अब अच्छे से सेट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स केक कितना अच्छा स्पॉन्जी बना है आया है। तो इस रेसिपी को आप घर पे फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।